हाश गाइस, बहुत ज्यादा थक गया। आज के लिए इतनी जॉगिंग बहुत है। अब चुपचाप घर पे जाके टीवी देखूंगा और थोड़ा सा आराम करूंगा। पता नहीं शिनचैन और चॉप क्या कर रहे होंगे। शिनचैन, चॉप, अबे कहाँ पर हो तुम लोग? एक मिनट, ये क्या था? ओ भाई साहब, ये क्या इतनी बड़ी सी चीज? गाइस यार जल्दी से जाके देखते हैं। किंग कॉन्ग, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वैसे तो इसको इतने खुले में घूमना भी नहीं चाहिए, इसकी जान को खतरा हो सकता है। जल्दी से जाके देखते हैं गाइस। मांजरा क्या है आखिर में? और ये शिनचैन चॉप कहाँ पर गए? वो रहे गाइस नीचे ही है। शिनचैन, मुझे लगता है उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, हमें उसके नजदीक जाना होगा। जल्दी जल्दी चलते, यही से शॉर्टकट मार लेते हैं ना, इतना घुमा के कौन जाएगा। अरे किंग कॉन्ग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा भी वही सवाल है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बहुत जरूरी काम है। मुझसे मदद? पर मुझसे क्या मदद चाहिए? अरे हम भी वही पूछ रहे थे। क्या बार बार एक ही सवाल पूछते हो? अरे यार मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम लोग वही पूछ रहे हो। मैं अभी आया ना। अरे पर मैंने तो आपके आने के बाद ही पूछा था। ठीक है भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बस अब उसको बताने देगा या नहीं? अच्छा ठीक है। बताओ किंग कॉन्ग, ऐसे भी क्या प्रॉब्लम आ गई जो सुबह सुबह मेरे घर पर आ गए, वो भी बिना बताए? तो मेरे पास फोन थोड़ी ना है, और मेरे साइज का फोन तो मिलता भी नहीं है। ओके, भड़को मत यार, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि गॉडज़िला का किसी ने माइंड वॉश कर लिया है, और वो पागल हो चुका है। वो इस शहर को तबाह करना चाहता है, और मुझे भी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे पर मैं कैसे लड़ूंगा उससे? उसका साइज कितना बड़ा है? रुको अभी बताता हूँ, मैं तुम्हें किंग कॉन्ग बनाऊंगा। कैसे? एक मिनट, ये क्या हो गया हमें? हम एक बंदर बन गए? और तुमने तो कहा था कि तुम मुझे किंग कॉन्ग बनाओगे। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, आखिरकार आप अपने असली रूप में आ ही गए। शिनचैन मजाक की बात नहीं है, समझा ना? मैं यहाँ पर बंदर बन गया और तुमको हंसी आ रही है? ऐसे मैं हराऊंगा गॉडज़िला को? नहीं, तुम ऐसे नहीं हराओगे, ये तो बस बेसिक वर्जन है। अगर तुम्हें खुद को अपग्रेड करना है तो तुम किंग कॉन्ग ऑनलाइन शॉप से कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी स्किन और सूट मिल जाएंगे, और हथियार भी। ठीक है, तुम सब लोग अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। गाइस यार जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, पता नहीं कैसी कैसी मुसीबत आ जाती है। अबे यार मैं सीढ़ी भी चुक गया, कैसा बंदर है यार। गाइस अब सबसे पहली बात, हमें करने हैं पैसे जमा, और वो हम कैसे करेंगे मुझे कुछ भी नहीं पता। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। कल जब मैं न्यूज देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि पुलिस एक डॉन को पकड़ रही है। अगर हम उस डॉन को पकड़ ले तो गाइस पुलिस हमें इनाम दे सकती है, पर उसके लिए हमें थोड़ा फंस जाना होगा। इसलिए सॉरी भाई साहब, पर मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे माफ कर देना। अब गाइस मुझे पता नहीं इसको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी या नहीं। अब चलते हैं जल्दी से उस लोकेशन पर। सोचो पुलिस को उसकी लोकेशन भी पता है, पर तो भी वो उसे नहीं पकड़ पा रही। इसका मतलब वो बहुत खतरनाक होगा, हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। गाइस यार हम लोग काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। चलो अब चलते यहाँ से शॉर्टकट लेके, लोकेशन काफी ज्यादा दूर थी यार। चलो एक काम करता हूँ, गाड़ी को यही पर रोक देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आराम से जाना पड़ेगा। अगर उन्हें तुरंत पता चल गया तो सब लोग एक ही साथ आ जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। यहाँ पर उसके गार्ड्स है, और ये गया पहला तो गया गाइस, अब इसकी बारी। चलो अब तक तो किसी को भी पता नहीं चला, और आप लोग देख रहे हो इन्हें मारने के भी हमें पैसे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जाते हैं, कहाँ हो सकता है? ओ भाई साहब लगता है गाइस सबको पता चल चुका है। यहाँ पर थोड़ा संभल के काम लेना होगा, अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। एक तो इन सबके पास हथियार है, वैसे तो होना ही चाहिए, डॉन के आदमी है। यहाँ से चुपके मारेगा, ये खा कायर। अरे गाइस यार इसको तो लगा ही नहीं, चलो इस बार गया। यहाँ पर भी है, हमें यहाँ से ऊपर होकर जाना पड़ेगा। अबे रुक तो जा, क्रॉस करने भी नहीं दे रहा है, चीटर। ये भी गया गाइस, यार पैसे मिल रहे, मुझे मजा आ रहा है। किसी के 1000 तो किसी के 2000 तो किसी के 3000। अरे अरे दीदी दीदी कहाँ, रुक जाओ, इधर उधर। चलो दीदी तो सो गई, और कोई है तो सामने आओ, मुझे लेट भी हो रहा है थोड़ा। गाइस यार मुझे लगता है यहाँ पर सबको मैंने निपटा दिया। ये क्या? अबे यार वो डॉन तो यहाँ से भाग रहा है। सामने एक हेलीकॉप्टर है, चलो ये चॉपर अपने काम आएगा, जल्दी से इसमें बैठ जाते हैं। अब बस ये चालू हो जाए, ऐसे तो मुझे चलाना आता है। और हो गया गाइस, फटाफट ऊपर जाते हैं। मैं भी देखता हूँ वो कितने दूर निकलता है। वैसे थोड़ा सा दूर निकल गया है, पर कोई बात नहीं, हम लोग फास्ट भगाएंगे, मतलब उड़ाएंगे। मैं आ रहा हूँ डॉन, हम भी इसे बता देंगे गाइस हम भी मंकी डॉन है। गाइस यार इस पर निशाना लगाते हैं, बस कैसे भी करके। ओ भाई 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 भाई, हश, अभी तो अपनी पुंगी बच जाती, क्या टकराई। अब हम दोनों आमने सामने हैं, फिर से फायर करेंगे गाइस अपन लोग। अबे यार लग जा। एक तो ये चॉपर इतना हिल डुल रहा है ना, निशाना भी नहीं लग रहा, इस बार लग रहा है गाइस। गया। अबे यार शिट, डैमेज तो हो ही गया है, बस एक दो बार और मारेंगे तो फिर तो ये गया, धुआं तो निकलना चालू हो गया गाइस। अबे यार एक तो ये पास जाता है ना तो मेरी और ज्यादा फट जाती है, कहीं इसके चक्कर में हमारा ही ना हो जाए कल्याण। बस थोड़ा सा बाकी है यार, प्लीज इस बार धोखा मत देना। नहीं नहीं पास नहीं। चलो वही दूर चला गया। अबे नहीं वो दूर जा रहा है। अबे रुक, चलो लग जा। अब
अबे यार ये भी हिल रहा है, वो भी हिल रहा है। गाइस यार फाइनली हमने उसे उड़ा दिया। और ये क्या, उसका चॉपर तो ब्लास्ट हो गया है। जल्दी से नीचे चलते हैं गाइस, हमें उस गुंडे को पकड़ना भी है। आखिरकार हमने कर दिखाया, इतने बड़े डॉन को पकड़ लिया यार। अबे जल्दी से उतर दे। ओहो, ये क्या ग्लिच था। चलो कोई बात नहीं गाइस, हमने अपना काम तो कर दिया ना। जरा उस चॉपर की हालत तो देखो, इसके तो अंजर पंजर सब गए और मुझे लगता है कि डॉन भी अंदर ही गया। एक मिनट, ये मिलिट्री वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर क्या हुआ? हमने देखा तुमने क्या किया, हमें तुम पर नाज है। पुलिस इतने दिनों से उसके पीछे पड़ी थी, पर तुमने तो उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया। वैसे इतना भी आसान नहीं था, हम तुम पर बहुत खुश है। सरकार ने तुम्हें पूरे $50,000 देने का वादा किया है। ओके थैंक यू गाइस। यार क्या बात है, पहले के $60,000 जो गुंडों को और डॉन को मार के मिले, प्लस सरकार से $50,000, अब हमारे पास है $110,000। देखते हम लोग कौन सा सूट खरीद सकते है। ये खोला मैंने मार्केट और ये रहा $1,00,000 सूट और ये परचेज। वाह गाइस क्या बात है, अब लग रहे ना थोड़े हट्टे कट्टे। नहीं तो जो स्टार्टिंग में बने थे ना, ऐसा लग रहा था उसको पोलियो हो गया है। देखो गाइस अभी भी हमारे पास $10,000 बचे, हमें और पैसे जमा करने होंगे। देखते तबाही मचा कर मिलता है या नहीं। और ये गया, इसके भी पैसे मिले हमें। ओ भाई यार कितनी बड़ी जंप लगाई इसने, और लोगों को मार के देखते। ये ले, ओ यहाँ पर पुलिस वाला, ये ले, इसको तो मारना बनता था वरना ये मुझे मार देता। टोटल 20,000 हो गए हमारे पास, अब इसकी बारी। प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है प्लीज। अरे मैं मारना नहीं चाहता पर मेरी मजबूरी है, मुझे पैसे चाहिए और मैं जितने लोगों को मार रहा हूँ मुझे पैसे मिल रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे। यह शहर में एक रेस होने वाली है और मैंने सुना है उस पर बहुत भारी इनाम है, तुम वो कर सकते हो। ये आइडिया भी अच्छा है। चलो थैंक यू, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। गाइस अब चलते हैं, सामने एक साइकिल पड़ी है, फिलहाल तो इससे जाना पड़ेगा। बार बार लोगों की गाड़ी लेंगे तो कोई ना कोई तो किसी दिन हमें बजा ही देगा। गाइस यार हमें उस रेस की लोकेशन पर पहुंचना है, पर उससे पहले हमें गाड़ी चाहिए और वो भी बहुत अच्छी, इसलिए मैं जा रहा हूँ साइमन की डीलरशिप पर। उससे बेस्ट कार हमें कहीं पर मिल ही नहीं सकती। चलो गाइस हम लोग पहुँच गए, वो रहा साइमन सामने ही खड़ा है, लगता है अपनी गाड़ियों की गिनती कर रहा है। अरे साइमन मेरी बात सुनना, मुझे एक गाड़ी चाहिए थी, वो भी अर्जेंट है। अच्छा ठीक है भद्दे बंदर, मेरी बात सुनो, तुम्हारा बजट कितना है? मेरा बजट है $20,000, उसमें ये आ जाएगी क्या? नहीं। तो ये वाली? या तो बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा तो ये लाल वाली तो आई जाएगी। अरे पागल हो गए, ये तो उससे भी महंगी है। अच्छा तो ये वाली दिखने में भी थोड़ी अलग है। ये वाली तो तुम्हें बेच के भी नहीं आएगी, उसके बाजू वाली आ जाएगी। क्या ये? अबे यार अच्छा ठीक है, जो मिला वही सही। गाइस जल्दी से इसमें बैठ के यहाँ से निकलते हैं, मुझे और मगजमारी नहीं चाहिए। अब हमारा जेब पूरी तरीके से खाली हो चुका है, क्योंकि जो $20,000 थे वो तो यहाँ पर खर्च हो गए। अब तो स्किन और पावर लेने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हमें किसी भी हालत में वो रेस जीतनी पड़ेगी, वरना पता चला हम लोग पार्टिसिपेट करने से पहले ही बाहर हो गए। यहाँ से लेफ्ट ही जाना था ना। हाँ बराबर जा रहा हूँ गाइस मैं, वो रेस यही कहीं पर होने वाली है। वहाँ सामने गाड़ियाँ खड़ी है, मुझे लगता है गाइस हम लोग लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। हाँ यहाँ पर लोग तालियां भी बजा रहे हैं। चलो हम लोग जगह पर पहुँच गए, वो भी एकदम सही टाइम पर। हाँ तो तुम सब लोग तैयार हो, थोड़ी देर में रेस शुरू हो जाएगी और जो भी इस रेस को जीतेगा उसे मिलेगा भारी भरकम इनाम, पूरे $500,000। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से शुरू करो। 3, 2, 1 गाइस यार ये लोग तो आगे निकल गए स्टार्टिंग में ही। एक तो इनके पास कितनी अच्छी गाड़ियां है और अपने पास ये मिनी ट्रक, ये तो बहुत नाइंसाफी है। और ये बाजू वाला कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, कब से टक्कर मार रहा है। गाइस चलो जैसे तैसे करके उसको तो पीछे किया, अब ये एक और बाकी है, इसको जोर जोर से टक्कर मारते हैं। तेरी तो मैं, अबे हट। चलो गाइस हम लोग आगे निकल गए, बस ऐसे ही चलते रहना है, किसी को भी आगे जाने नहीं देना है। एक मिनट, अबे यार मैं तो भूल ही गया, 2 गाड़ियां हमसे आगे थी और दोनों की दोनों वापस आगे जाने वाली है मुझे लगता है। अबे यार क्या हो रहा है, पागल हो गई है मेरी गाड़ी। चलो 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 सीधे हो गए। गाइस यार वो वहाँ पर रुक गए ठुक के, अब बस ये एक गाड़ी है जो मेरे एकदम बराबर चल रही है और वो पीछे वाली भी नजदीक आ गई है। अबे यार ये आगे जा रही है, नहीं, एक तो आगे निकल रही है और एक पीछे से आगे आ रही है। ऐसा ही चलता रहा ना तो हम लोग हार जाएंगे, मुझे गाड़ी को और स्पीड भगाना होगा। चल मेरी धन्नो, तेरे कॉन्ग की इज्जत का सवाल है। गाइस थोड़ी स्पीड तो बढ़ी है, बस यार इसको कैसे भी करके हरा दो। नहीं, चलो गाइस नसीब गाड़ी सीधी हो गई। अब यार वाट पे वाट लगते ही जा रही है, कहाँ गई गाड़ी, वो रही गाइस इसकी तो मैं। अब यार मैं जैसे इससे आगे निकलने वाला होता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। चलो चलो ये भी उल्टी हो गई, अब बस एक बाकी है, इसको भी कैसे भी करके पीछे करना है। अब बस गाइस बहुत हो गया, कैसे भी करके इस वाली को भी पीछे करना है और हमें जीतना है, वरना हम लोग भिखारी हो जाएंगे, ये गाड़ी खरीदने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो चलो ये भी यहाँ पर टकराई, क्या बात है यार हम लोग जीत गए मुझे लगता है। बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है, वो लोग मेरे नजदीक पहुंचते ही जा रहे हैं और बस 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 फिनिश लाइन आने वाली है। हमने कर दिखाया।
गाइस यार ये तो कछुए और खरगोश की बात हो गई। हाँ बस फर्क इतना कि इसमें कछुए भी जोर से भाग रहे थे। चलो क्या ही फर्क पड़ता है, हमें पूरे $5,00,000 मिलने वाले। जल्दी से जाके अपना इनाम उठाते, पैसे कितने प्यारे दिखते यार। अब ये सारे के सारे मेरे हैं तो जल्दी से लेते हैं। अब मेरा बैलेंस हो चुका है पूरे $5,00,000, तो जल्दी से देखते इसमें क्या आने वाला है। वाह भाई, और ये पर्चेस। गाइस यार हम लोग पहले से बड़े हो चुके हैं थोड़े से, और अब तो दिखने में भी थोड़े खतरनाक है। या बंदर, चल वो इनाम के सारे पैसे मेरे को दे। आप थोड़े से लेट हो गए, वो सारे पैसे तो मैंने उड़ा दिए। क्या बोला, रोक तेरे को इतना मारेगा ना मैं, तू कभी पेड़ पे नहीं लटक पाएगा। तुम लोग मेरे को मारोगे, ये लो। गाइस यार एक ही लात में दो जन गए, इसकी तो मैं जया से। तू खड़े खड़े क्या देख रहे, हट। गाइस यार क्या बात है, पहले से ज्यादा ताकत आ चुकी है मुझ में। अब यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं, क्योंकि हमें और भी पैसों का इंतजाम करना है। और ये गाड़ी मैंने खरीदी है तो मैं छोड़ने वाला तो नहीं था, इसे ही लेके जाऊंगा ना। बस शरीर थोड़ा ज्यादा सा बड़ा हो गया है, इसलिए हम लोग गाड़ी के बाहर निकल रहे। ओ भाई साहब, पुलिस कहाँ से आ गई। लगता है गाइस जिन्हें मैंने उन गुंडों को मारा ना वो पता चल चुका है, पर यार गुंडे थे वो। वैसे ये बात भी सही है कि कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। मानता हूँ मैंने गलत किया, पर वो किसी रीजन पे था। गाइस यार पुलिस बहुत ज्यादा आ चुकी है, मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये लो, क्या ताकत है यार, एक ही पंच में पूरी की पूरी गाड़ी उड़ रही है, और क्या पैसे मिल रहे हैं हमें। ये लो साहब, किसी के 30,000, किसी के 50,000, तो किसी के 70,000, बस ऐसे ही पैसे मिलते रहे। गाइस यार क्या निशाना था, सीधा हेलीकॉप्टर को लगा। जल्दी से इस हेलीकॉप्टर को मारते हैं। भाई साहब यहाँ से भी एक आ रहा था, ये फिर से मैंने गाड़ी उठाई। अब किसको मारो किसको मारो, इस वाली गाड़ी को मारते हैं। क्या बात है, मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर एक और है, और ये भी गया। गाइस यार बहुत हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि और भी पुलिस आए और हम उन्हें संभाल ना पाए। बस एक बात अच्छी हुई है, यहाँ पर इन्हें मार मार कर मैंने $5,00,000 जमा कर लिए। पर यार इसके बाद वाला सूट इतना सस्ते में थोड़ी ना आएगा, कम से कम $5,00,000 और चाहिए, क्योंकि वो 1,000,000 का सूट है, मतलब के स्किन जो भी है। अबे यार किसका कॉल आ रहा है, टोनी। हेलो फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो, हल्क पागल हो चुका है, तुम्हें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। अरे पर तुम लोग कर सकते हो ना वो काम, हम थोड़े बिजी चल रहे हैं, ये काम तुम्हें ही करना होगा। ये क्या बात हो गई, तुम लोग ही बिजी होते हो, आज मैं भी बिजी हूँ, प्लीज कर दो। अच्छा ठीक है, पर एक शर्त पर, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। ये क्या बात हो गई, अरे मैं बोला मैं काम में हूँ, उससे मुझे पैसे मिल रहे। अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो पैसे दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये हुई ना बात, तुम्हारा हुक्म सराखों पर। गाइस अब जाके हल्क को ढूंढते हैं, वो यही कहीं शहर में होना चाहिए। नाम लिया और शैतान हाजिर। वैसे ये सुपर हीरो है। गाइस यार ढूंढ तो लिया इसे, इसे हराना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये हल्क है, इसे समझा के देखते हैं। हल्क मेरी बात सुन, देख इन लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है, आपस में बात करके निपटाते ना, कहीं जाके कॉफी पीते। हल्क को कोई कॉफी नहीं पीनी, हल्क का सब मजाक उड़ाते हैं, हल्क सब कुछ तहस नहस कर देगा। ले ले ले, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरा वादा है। बस अभी घर चलते हैं। तुमने हल्क को पागल समझ कर रखा है, हल्क तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे मैंने पागल नहीं समझा। गाइस यार भागो। अबे यार ये तो सामने आ गया, हट यहाँ से, यहाँ पर आ, ये ले। क्या उठा के फेंका यार, एक बार फिर से, इस बार जंप लगाएंगे, देखते हैं, और बम। आउच, तो मैं इसको छोड़ेंगे नहीं, कहा गया। अबे घूसे से बचा, वो भी मेरे आगे पीछे, ये ले, और अब ये खा, से इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इंसान के भौरा है, और ये ले। फिर से कान के नीचे बजाने वाला था, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गाइस इस बार इसको इतने जोर से पटकूंगा ना, इसको इसकी नानी याद आ जाएगी, और बम। हल्क कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। गाइस मुझे लगता है ये बेहोश हो चुका है, और उसी के साथ हमने अपना काम कर लिया। टोनी हाँ मैं समझ गया, ये लो तुम्हारे पैसे, मैंने तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए है। गाइस पूरे $5,00,000, इसका मतलब हमारे पास $1,000,000 हो गए। जल्दी से देखते हैं 1,000,000 में कौन सा सूट है। ये बोला मैंने मार्केट, और ये रहा 1,000,000 वाला सूट। परचेज एक मेटल कॉन्ग, या फिर आप इसको रोबो कॉन्ग बोल सकते हो, या मेका कॉन्ग, जो भी बोलना है बोल सकते हो। ये काफी कमाल का है, ये वाली चीज मैंने देखी भी पहली बार है, इसके ऊपर तो इनबिल्ट हथियार भी लगे हुए। यार इतना कूल लग रहा है, आप लोग देख रहे हो। मैं शहर को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर मेरा राज होना चाहिए, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, यहाँ पर मेरी आर्मी जमा करूंगा, तैयार हो जाओ, समय आ चुका है, चलो मेरे साथ, ये टाइम है शहर को बर्बाद करने का, सब मेरे पीछे आ जाओ, अब मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, मैं यहाँ का राजा बन के रहूंगा। गाइस यार ये ज़ॉम्बी आर्मी कहाँ से आ गई। अबे यार ये क्या मजाक है। मुझे लगता है इनको निपटाना ही पड़ेगा, मेरे हथियार काम भी करते या नहीं, जरा ट्राई करके देखते हैं। ये लगाया मैंने निशान। ओहो गाइस यार ये चीज तो काम करती है, कमाल का वेपन है, सीधे बिजली के झटके छोड़ रहा है, सबके सब जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत करंट तो लगना चाहिए, क्या ना जब तक जिंदगी में आदमी को झटका नहीं लगता ना, उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं एहसास दिलाने के लिए, और ये लो लोखंड का बुक्का खाओ। अरे 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 कहाँ मार रहा हूँ, मैं भी बावला हो गया, थोड़ा टेक्निकल एरर था, हो जाता है कभी कभी। चलो गाइस मुझे लगता है यहाँ पर तो सबको निपटा लिया गया है, अब जाते हैं यहाँ से। यार हम लोग क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं, एक तो समझ ही नहीं आया कि ये ज़ॉम्बी आर्मी आई कहाँ से।
चलो छोड़ो, जहाँ से भी आई थी हमने निपटा दिया है। अब बारी है और पैसे जमा करने की, तो कुछ नया सा सोचते हैं जिससे हम लोग पैसे जमा कर सके। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, शहर में डेड कॉन्ग आ गया है, तुम्हें गॉडज़िला से पहले उसे हराना होगा, ये रही उसकी लोकेशन। अबे यार क्या मुसीबत है। एक मिनट गाइस, उसने ही तो मुर्दों की फौज खड़ी नहीं की थी, ये पक्का उसी का ही काम है। और ये लोकेशन तो बीच पर से आ रही है, तो हमें बीच पर जाना होगा। और ये हम लोग पहुंच गए। आउच, कोई नहीं, गाड़ी सीधी हो जा, मुझे लगता है इसे यहीं पर रोकना होगा। अब जल्दी से जाके उस डेड कॉन्ग को ढूंढते हैं। डेड कॉन्ग कहाँ पर है तू? हिम्मत है तो मेरा सामना कर। ये रहा गाइस। अबे यार ये तो दिखने में भी कितना खतरनाक है। तुम जो भी सोच रहे हो बहुत गलत सोच रहे हो, तुम्हें मैं आराम से खत्म कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मेरा साथ दो, हम दोनों मिलके दुनिया पर राज करेंगे। हाँ पर मुझे दुनिया पर राज नहीं करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुम गए, मेरा साथ नहीं देने वालों को मैं मार देता हूँ। ओ आउच, बात करते करते मारता है, ये गलत बात है, इसको तो गाइस छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये ले भाई, यार इस वेपन से तो लेजर भी निकलती है, मुझे नहीं पता था। कहा गया यही पर तो था। भाई यार इस डेड कॉन्ग की पावर तो खतरनाक है भाई साहब, यार इसे बच के रहना होगा। अबे रुक जा, मुझे चक्कर आ रहे हो। तो मेरा दिमाग खराब हो गया गाइस, अब ये बचेगा नहीं मेरे हाथ से। अबे नहीं, छोड़, मुझे उल्टी आती है यार, इतना मत घुमाया कर। बाहर निकल, से जमीन के अंदर घुसा पड़ा है, अब घुसा खा। अब यार ये फिर से धुआं, ये धुएं के पीछे छुप जाता है, इसको इस बार ऐसा करने ही नहीं देंगे। बार बार क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। वाह गाइस क्या उड़ाया है मैंने, क्या दूर जाके गिरा ये, कब से परेशान कर रहा था। अब बताना क्या हुआ। तुम में तो बहुत ज्यादा ताकत है, तुमने मुझे हरा तो दिया है पर पूरी तरीके से नहीं। हाँ वो ठीक है पर मैं समझा नहीं। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने किससे पंगा लिया है। अरे यार ये सब पहेलियाँ मत बुझा, मुझे पता है मैंने किससे पंगा लिया, मुझे पता है तुम्हारा नाम। सिर्फ नाम पता होने से कुछ नहीं होता, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। एक मिनट, दिखाऊंगा मतलब, अभी तक तुम क्या कर रहे थे। ये तो बस डेमो था, अब ये देखो। गाइस ये क्या करने वाला हो, इसकी टांगे इतनी बड़ी कैसे हो गई। एक मिनट गाइस, टांगे नहीं ये तो पूरा का पूरा ही बड़ा हो गया है। अब ये मुसीबत वाली बात है, इतने बड़ी चीज को तो मैं नहीं हरा सकता, मेरा साइज बहुत ज्यादा छोटा है, हमें कुछ और करना होगा। गाइस यार इसे मार के भी बहुत सारे पैसे मिले थे और उन ज़ॉम्बीज को मार के भी बहुत सारे पैसे मिले थे, हमें इसे कैसे भी बचना होगा ताकि हम लोग अपग्रेड कर सके। यार यही पर पकड़ लिया यार। अबे रुक जा, लोखंड तो क्या हुआ। गाइस यार ये तो मौका ही नहीं दे रहा है ना, थोड़ा सा टाइम मिले बस फिर इसे बताता हूँ। ये यार सर पे मेरे। गाइस यार ऐसे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे लगता है अभी हमारे पास टाइम है, जल्दी जल्दी से दूर भागते हैं। वो ये नहीं पता था मुझे मैं उड़ भी सकता हूँ। पहले पता होता तो यार यहाँ तक गाड़ी से तो नहीं आना पड़ता। चलो यार जल्दी से स्किन परचेज करते हैं, इसके आगे तो साइज का ऑप्शन है। और ये परचेज। गाइस यार अब बने ना हम लोग किंग कॉन्ग। अब बताता हूँ इसको, बस इससे थोड़े से छोटे हैं पर कोई बात नहीं, अब आजा मैदान में। आउच, तुम्हें क्या लगता है अपना साइज बढ़ा के तुम मुझे हरा लोगे। हाँ कुछ ऐसे लगता है। इसकी तो मैं ये ले। गाइस यार क्या बात है, इसको तो यहीं पे फंसा दिया। ये क्या किया तुमने, मैं हिल की नहीं पा रहा हूँ। रुको अभी पाओगे, ये लो। और ये काओ, क्या पटका है यार, इसको बहुत गुस्सा आ रहा होगा पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या हुआ, हेकड़ी टाइट हो गई। ये ले। ये क्या किया तुमने, अब तो तुम बचोगे नहीं। यहाँ क्या पुशअप कर रहा था, ये ले। आउच, कोई बात नहीं। और अब ये खा। गाइस ये फाइट करते करते सो गया है क्या। नहीं, बेहोश हो गया है। चलो ये अच्छी बात है, आखिरकार मैंने उसे हरा ही दिया है और उसे मार के भी मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। देखो गाइस पैसे मिले हैं तो अपग्रेड तो करना पड़ेगा, जल्दी से देखते हैं मार्केट में क्या है। ये रहा 5 मिलियन वाला सूट परचेज। गाइस एक बर्निंग कॉन्ग, क्या बात है यार, कितने कमाल का दिख रहा है। ये वाला कॉन्ग भी मैंने पहली बार देखा है। और गाइस आप लोगों ने भी जो कॉन्ग पहली बार देखे हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब मुझे मेरा हथियार लेने जाना है जो कि पड़ा है मिलिट्री बेस के अंदर, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। गाइस चलो यहाँ पर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से खतरा शुरू हो जाएगा क्योंकि मिलिट्री वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं पर छुप जाऊंगा क्योंकि इतना बड़ा हूँ तो ऐसी तो कोई जगह है नहीं। एक तो ये मिलिट्री बेस वाले ऐसे है ना, इन्होंने कॉन्ग का हथियार इतने दिनों से लेके रखा है ना जैसे इनकी प्रॉपर्टी हो, पर आज मैं मांगूंगा नहीं, आज मैं सीधा छीन लूंगा। ओहो ये लोग आ गए, कोई बात नहीं इन्हें भी निपटाएंगे हम लोग। ये ले, सब मक्खी मच्छर लग रहे मुझे यहाँ पर। और ये लो, इस गाड़ी की तो वाट लग गई होगी, इतना बड़ा पैर पड़ा है इस पे, ऐसा लग रहा है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ गाड़ियों के साथ। यहाँ पर भी आ रही है और बूम, क्या ही उड़ के गई है यार। गाइस यार मुझे बहुत मजा आ रहा है, अब इसकी बारी। और ये गई सिक्सर। हाथ से तो नहीं होता पर कोई बात नहीं। गाइस यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपना हथियार ढूंढना है। ये रहा फाइनली मुझे मिल गया, अब जल्दी से इसे उठाता हूँ क्योंकि गॉडज़िला को मारने के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना मैं उसे हरा ही नहीं सकता। ये लो, थोड़े बहुत और पैसे जमा कर लेते हैं, क्या नाम है, जरूरत पड़ेगी। और ये ले, ये हथियार भी कमाल का है यार। और क्या है यार, मजा आ रहा है मुझे, इतना मजा आ रहा है ना गाइस मैं आपको बता नहीं सकता। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक गॉडज़िला आया क्यों नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे नॉर्मल होना पड़ेगा। तो देखते हैं मार्केट में क्या है। ये रहा पूरे 10 मिलियन का सूट और परचेज। वाह गाइस हम लोग तो वापस से कॉन्ग बन गए, पर ये वाला थोड़ा खतरनाक है। अब मुझे लग रहा है कि मैं नॉर्मल हो चुका हूँ।
ना तो गॉडजिला मुझे पहचान लेगा। हमें बस उसका इंतजार करना है। अबे यार ये हथियार क्यों फेंक दिया मैंने? मैं भी फ्लो फ्लो में किधर भी निकल जाता हूँ। गॉडजिला हिम्मत है तो मेरे सामने आ, देख मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक वो नहीं आता टाइम पास तो चाहिए ना गाइस, तो हम लोग मिलिट्री वालों को सताएंगे। आ गया गाइस, आ गया आ गया। क्या भागते हुए आ रहा है? ऐसा लग रहा है इसको मेरी तलाश थी। ये ले। ओ, 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 ओ। अबे यार इसकी तो मैं गाइस इससे बच के रहना होगा क्योंकि गॉडजिला बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हम लोग इतने जल्दी जल्दी मारे इसको मौका नहीं मिला। मिल गया मौका मिल गया। आउच आउच, भागो 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 भागो, थोड़ा सा दूर जाना होगा, इतने नजदीक से नहीं मार सकते। ओ क्या लेजर छोड़िए। कोई बात नहीं, हमारे पास हथियार है जिससे मैं इसे हरा सकता हूँ। और ये ले, ये खा। आउच, कोई बात नहीं गाइस, अब ये ले, इसकी तो आज मैं पुंगी बजा दूंगा। अबे जाता कहाँ पर है, ये खा। गाइस यार ये हथियार कमाल का है, कितने जल्दी मैंने इसे हरा लिया फाइनली। एक मिनट, ये सब कुछ छोटा कैसे हो गया वापस? अबे यार मैं फिर से फ्रैंकलिन बन गया।